उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व के चलते महाकाल थाना पुलिस ने होटलों में की चेकिंग शुरू। महाकाल क्षेत्र के आसपास कई होटलों की सुरक्षा की दृष्टि से सर्चिंग की। होटल संचालक से होटलों में रुकने वाले लोगों की जानकारी ली गई। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु त्योहारों पर उज्जैन पहुँचते हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि पर्व के चलते पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम कर रही है। पर्व को लेकर दो दिन पूरा महाकाल थाना क्षेत्र में सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने पुलिस बल के साथ क्षेत्र में बनी होटलों लाज धर्मशाला की सर्चिंग की। इस दौरान जिन होटल संचालकों ने होटल में रुकने वाले लोगों के परिचय पत्र नहीं लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की ओर समझाइश दी है कि बिना वेरिफिकेशन के होटलों में बाहरी व्यक्ति को नहीं रुकवाए। महाशिवरात्रि पर्व पर देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। ऐसे में कोई बड़ी घटना ना घटित हो इसके लिए उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने संदिग्ध की धरपकड़ के लिए मुहिम चलाई है। यह मुहिम शिव नवरात्रि पर्व तक सतत की जाएगी। आपने आइडेंटिटी कार्ड तीनों के क्यों नहीं लिए? मुझे क्या पता कौन सा कस्टमर आके रुक रहा है? एक का आधार कार्ड ले रहे, दूसरों के क्यों नहीं लिए? मैम क्या ये दे रहा है? ऑनलाइन निकाल के दे रहा है। अभी हमारी बाकी की तैयारियां जो हमारे जितने भी वॉलंटियर्स चाहिए थे वो उससे ज़्यादा हमारे पास आ गए हैं। सारी सामग्री जो है वो हमको प्राप्त हो गई है, लेकिन उस दिन के लिए जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमको 15 मिनट के अंदर दीपक जलाने, उससे पहले जो सावधानियां रखनी है, और दीपक तत्काल जलाने के बाद में सभी को हट जाना है जिससे ड्रोन में कैप्चर हो पाए, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो ड्रोन के में जितनी भी दिए दिखेंगे उन्हीं के आधार पर बनेगा। तो उन सारी चीज़ों का यहाँ पर प्रैक्टिकल और डेमो चल रहा है और वो सफल रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों को हमको पहुँचाना है नीचे तक। तो कल जितने भी हमारे सेक्टर सुपरवाइजर्स हैं, कल पहले 4 बजे हम लोग उनको बुलाएंगे और उसके बाद में मीटिंग करके घाटों पर सभी का लगभग 6 से 6:30 के बीच में फिर से सभी के सामने डेमो करेंगे, जिससे कि एक एक के पास में 50-50 वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी है, तो 50 लोगों तक इस चीज़ को कम्युनिकेट कर पाएँ और उस दिन बता पाएँ कि उनको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। सर, पूरे शहर में भी एक उत्साह का माहौल चल रहा है, हर समाज हर वर्ग करिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसी मंशा थी उसी हिसाब से पूरी जनता की भागीदारी के साथ में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो रहा है और सभी लोग अपने घरों पर कम से कम 5 दिए जरूर लगाएं 1 तारीख को 7 बजे, और अपने जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं जिनकी व्यावसायिक क्षेत्रों में दुकानें हैं वहाँ पर लाइटिंग अवश्य 1 दिन पहले अवश्य करें।